हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं सिंथेसाइसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स बाय डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब हमने आपको आणविक सिद्धांत में ये बताया था कि किस तरह से, अभी इससे पहले 5 वीडियो में हमने ये बताया कि किस तरह से यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। अब रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन दो टाइप में, दो प्राणियों में अलग अलग होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में अलग होता है और यूकैरियोटिक सेल में अलग होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन से कि किस तरह से हम डीएनए में, यहाँ पे हमने पहले बात की थी डीएनए से, डीएनए में क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, जिससे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके द्वारा क्या बनता है, mRNA बनता है, mRNA से RNA का निर्माण होता है, mRNA के बाद क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, क्या बनता है, प्रोटीन। अब किस तरह से DNA फॉर्मेशन करके क्या बनता है, mRNA, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ये टेक्निक क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या होती है, हम सरल लैंग्वेज में बोलें तो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बिफोर जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो, इसको शॉर्ट भाषा में हम, सरल भाषा में इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिफोर जीन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन को हम बता सकते हैं। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, अब हम किस तरह से कोडिंग करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम ट्रांसक्रिप्शन में कोडिंग करते हैं ये हम पता लगाते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपका होता है आरएनए पॉलीमरेज, ये 3 टाइप का होता है। एक आपका आता है फर्स्ट पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए करता है, एमआरएनए। ठीक है, ये होता है आपका पॉलीमरेज फर्स्ट। पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम क्या करता है, किसके फॉर्मेशन में मदद करता है, आरआरएनए। पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, टीआरएनए के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कि जो एंजाइम्स होते हैं किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। जो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो एमआरएनए, इसको हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम जो होता है वो किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आरआरएनए, इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो किसके फॉर्मेशन में मदद करता है, टीआरएनए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। अब हम ये बात करते हैं कि कोडिंग और किस तरह से कोडिंग मेथड होता है ट्रांसक्रिप्शन में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 स्टैंड लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये क्या है, डीएनए की 2 स्टैंड हैं। अब यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, ये हमने आपको बताया था कि ये होता है क्या, एक 3' होता है, दूसरा 5' होता है। अब यहाँ पे क्या है, कोडिंग किस तरह से करते हैं, हमने बताया था ए जो होता है हमेशा जो है सेकंड, जो आपका दूसरा सूत्र होता है तो वो हमारा टी के साथ में क्या होगा, बेस ए होगा। और ए के इस तरह से हम यहाँ पे पहले तो इस सीक्वेंस में लिख लेते हैं, बाद में ये करते हैं कि टी के सामने हमेशा एडिनिन, थायमिन के स्थान पे एडिनिन, एडिनिन के स्थान पे थायमिन, सी, सी जो दिखाया गया है वो सी का मतलब ये है साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन के स्थान पे गुआनिन, और इस तरह से ये हाइड्रोजन बंधु द्वारा डीएनए जो है वो जुड़ा होता है। अब ये डीएनए तो हमने बताया ये रिप्लिकेशन किस तरह से होता है, अब कैसे क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन के बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मेथड होता है या एमआरएनए का निर्माण होता है। अब यहाँ पे किस तरह से निर्माण हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं। ए जो है, ए के स्थान पे तो ए ही रहेगा, किस में, आरएनए में। ठीक है, ए जो है, ए के बाद टी, थायमिन के स्थान पे यहाँ पे क्या आ जाता है, यू आ जाता है, किसमें, आरएनए में। तो ए की जगह पे ए, यू के स्थान पे यू हो जाएगा, जी के स्थान पे जी, सी, टी के स्थान पे यू हो जाएगा। हमने बताया था आपको जब अंतर करा रहे थे तो हमने बताया था जो नाइट्रोजनी बेस होता है हमेशा थायमिन के स्थान पे कौन सा जुड़ता है आरएनए में, यूरेसिल।
थायमिन के स्थान पे कौन सा बेस रखता है? यूरेसिल। तो ये जबकि हम बता रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में हमारा क्या बनता है? एमआरएनए बनता है डीएनए से, इसलिए जहाँ पे भी आपका टी लगा होगा मतलब थायमिन होगा वहाँ पे हमें क्या दर्शाना होगा? यूरेसिल। तो ए हो गया, यू हो गया, जी सी यू, ठीक है, यहाँ तक तो ये आपका यू हो गया। अब सी, सी का सेम वही रहेगा, सी को का मतलब होता है साइटोसिन, जी भी सेम वही रहेगा, ए के स्थान पे यहाँ पे ए रहेगा। इस तरह से जहाँ पे भी टी है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पे टी के स्थान पे यू रखेंगे और सारा कुछ सेम वही रहेगा, सी रहेगा, जी के स्थान पे जी रहेगा, सी रहेगा ए। ये तो हमारा हो गया कोडिंग, ये तो ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, किस तरह से ये एक दिशा में ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लिपिंतरण या अनुलेखन भी कहते हैं। अब ये तो आपका कोडिंग मेथड हो गया कि इस तरह से हम इसको करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से जो है प्रोमोटर या आपके टर्मिनेटर पॉइंट कौन कौन से होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो मेथड होता है वो थ्री फेज में होता है। पहला इसको हम कहते हैं सूत्रपात या इलिएशन बोलते हैं इसको, दीर्घीकरण का मतलब होता है इलोंगेशन मेथड। अब यहाँ पे किस तरह से आरएनए मॉलिक्यूल से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये सूत्र जो है बढ़ते हैं डीएनए के, ठीक है, ये आपका एंडिंग पॉइंट होता है या इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर पॉइंट बोलते हैं, लास्ट में जो कि हमारा यहाँ पे टर्मिनेटर पॉइंट। अब ये यहाँ पे हमने दो स्टैंड लिया गया है, यहाँ पे दो स्टैंड ले लिया, एक हमारा 3-5' और दूसरा 5-3', ये हमारे दो स्टैंड हो जाते हैं। अब यहाँ से जो डीएनए सूत्र के आगे से थोड़ा एक बिंदु होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमोटर पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा आगे की तरफ जो जीन्स लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये आपके नीचे की तरफ जो स्टैंड है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। यहाँ पे कोड लिखे होते हैं, कोड का मतलब होता है जो एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जो नाइट्रोजनी बेस लगे होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा पॉइंट होता है टर्मिनेटर पॉइंट का, ठीक है। ये जो प्लेट होती है ये कौन सी प्लेट कहलाती है? टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। तो अभी तो आप यहाँ पे यही जाने कि किस तरह से कौन कौन से पॉइंट होते हैं कि 3-5-5-3- का ये क्या आपका बेस जो होता है 5-3- का, इसको हम बोलते हैं कोडिंग, जो कोडिंग स्टैंड होता है। और ये हमारे होते हैं कि किस तरह से इनको हम कोडिंग में रखते हैं, कोडिंग मेथड क्या होता है कि हम डीएनए में किस तरह से कोड का निर्धारण करते हैं और आरएनए में किस तरह से हम एडिनिन, थायमिन के स्थान पे यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह से ये कोडिंग दिखाया गया है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारे क्या है? थ्री फेजेस होते हैं जिसमें कि हमारे जो आपका ये है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। एंडिंग पॉइंट आपका कौन सा होता है? ये होता है समापन बिंदु। तो ये हमारा जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे अभी हम और बताएंगे जो कि हमारा होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू क्लास।